बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास थ्री की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रही हूँ मैं। चैप्टर नंबर वन पढ़ रहे हैं, टॉपिक है एक्सरसाइज वन, लेक्चर नंबर 25। तो लेट्स सी के एक्सरसाइज वन के 9 क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। राइट दी नंबर्स इन फिगर्स, आपको कुछ नंबर्स बता दिए गए हैं, यानी एक स्टेटमेंट बता दी है, आपने उनको फिगर्स में यानी कि डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। तो प्रोसेस क्या होता है, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है 206,366। ये आपको एक स्टेटमेंट बता दी है, आपने इसको फिगर्स में यानी कि डिजिट्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखें 206,000, यानी कि 206 आ रहा है, तो आप 206 राइट करेंगे। उसके बाद 366 है, तो 366 राइट करेंगे। क्या ये हमारा नंबर ठीक है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम काउंट करेंगे। वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 100,000। जब हम इस 100,000 तक पहुंच जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर 206,366 बन जाएगा। दैट इस मीन के हम सही हैं। नेक्स्ट चलिए बी क्वेश्चन, बी पार्ट है 155,604। अब ये अनदर हमारे पास एक स्टेटमेंट आ रही है, इसको हमने फिगर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखिए 155 है, 155, तो आप 155 को राइट करेंगे। उसके बाद 604, यानी कि 604 आपने इसको राइट करना है। फिर इस चीज को चेक करने के लिए क्या हमारी स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है, आप काउंट करेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000 एंड 100,000। जब आप 100,000 तक पहुंच जाएंगे तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं 155,604। इट्स मीन कि आपकी स्टेटमेंट ठीक है। ये जो रेड लाइन्स है ये सारे आंसर है, ये कलर लाइन्स है ये आंसर है इस स्टेटमेंट के। नेक्स्ट इज सी 906,352। तो सबसे पहले देखिए 906, तो 906 यानी कि 906 आपने राइट करना है। उसके बाद 352, तो 352 आपने राइट करना है। सिंपली जो नंबर्स बताए